नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक मेंटर्स में। LIC ऑफिस जाके अगर आपने कभी LIC की प्रीमियम पे किया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपना LIC की प्रीमियम पे कर पाते हैं। आप एक LIC एजेंट हैं या एक पॉलिसी होल्डर, अगर आप अपना LIC पेमेंट करने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप अपने LIC की प्रीमियम ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से। LIC की ऑनलाइन प्रीमियम पे करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका नाम, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप अपना प्रीमियम आसानी से भर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं अपने प्रीमियम और ट्रांजेक्शन की स्टेटस जाँच कर सकते हैं। प्रीमियम पे हो जाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, जो रिसिप्ट सेम टू सेम उसी रिसिप्ट की तरह होता है जो कि आपको अपने LIC ऑफिस में मिलता था। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाएंगे ताकि आपको अपनी प्रीमियम पे करने में कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे टाइप करना है LIC पे डायरेक्ट। देखिए, ये LIC पे डायरेक्ट का ऐप ओपन हो गया है, इसको इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है इसको ओपन करना है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। देखिए, वेलकम टू पे डायरेक्ट, और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए, ये खुलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे डायरेक्ट और व्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस, और यहाँ पे देखिए प्लीज़ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सेलेक्ट करके हमें डिसाइड करना है कि हमें पेमेंट किस लिए करना है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल, एडवांस प्रीमियम पेमेंट, लोन पेमेंट और लोन इंटरेस्ट पेमेंट। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो जिसके लिए हमें पे करना है उसको पहले सेलेक्ट करके डन करना है। तो देखिए, मुझे रिन्यूअल प्रीमियम और रिवाइवल के लिए पे करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डन करता हूँ। डन करते ही ये तीन स्टेप्स हैं, जिसको प्रोसीड करते ही हमारा प्रीमियम जो है पेमेंट हो जाएगा। कस्टमर वैलिडेशन, प्रीमियम पार्टिकुलर्स और पेमेंट। इसको देखिए, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए आते हैं, और जो स्टार मार्क दिया गया है वो मैंडेटरी है, वो फिल करना मैंडेटरी है, तो उसको फिल करते हैं। पॉलिसी नंबर 5171, पॉलिसी नंबर मैंने अपना फिल कर लिया। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम करना है, तो जैसे ही प्रीमियम मैं आपको पे करके दिखा रहा हूँ, ये प्रीमियम पे हो गया। और देखिए, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ये स्लैश के फॉर्मेट में दिया गया, और डेट पहले, फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, तो इसी फॉर्मेट में आपको भरना है। तो मैं अपना भर के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ भर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, ईमेल आईडी आप भर लीजिएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है, तो मोबाइल नंबर मैंने अपना सेलेक्ट कर दिया है। देखिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है। मोबाइल नंबर करने के बाद ये कुछ पॉलिसीज है, इसको पढ़ दीजिएगा। उसके बाद अग्री करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, फिर इसको भी आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आ गया है चेक एंड पे। आप अपना ये जो प्रीमियम है अमाउंट, इसको आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद चेक एंड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, MX कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है, भीम, UPI। तो आपको जो भी आप अपने कंफर्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आपको पेमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना क्लिक कर दिया, और देखिए मैंने UPI पे क्लिक कर दिया, मैं UPI से पे करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसको प्ले करते ही आपको यहाँ पे अपना UPI ID यहाँ पे डालने के लिए आएगा। जैसे मैंने अपना UPI ID यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है।
देखिए ये पेमेंट जो है प्रोसेस हो रहा है, चूंकि मैंने गूगल पे का यूपीआई आईडी डाला हुआ था, इसके लिए जो मैसेज है वो गूगल पे में गया होगा, तो वहाँ पे इंटीमेशन मिला है इसको, तो मैं अब गूगल पे वापस से ओपन करूँगा, अपने फ़ोन से गूगल पे ओपन कर लूँगा। देखिए मैंने गूगल पे ओपन जैसे ही कर लिया, देखिए यहाँ पे उसका मैसेज आ चुका है पे करने के लिए। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे बस जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, और अपने गूगल पे से या कोई फ़ोन पे से भी आप कर सकते हैं, और आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी बैंक है आपका। बैंक सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड एंड पे क्लिक कीजिएगा, ये लोकेशन टर्न ऑन कर दीजिएगा। देखिए लोकेशन टर्न ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे बस अपना नंबर डाल के यूपीआई जो भी यूपीआई पिन है डाल के आप ओके कर दीजिएगा, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और मैं फिर आपको वहाँ फिर से आपको मैं इस ऐप पे ले चलूँगा, और वहाँ पे दिखाऊंगा कि रिसिप्ट आपको कैसे मिल रहा है, और रिसिप्ट जो है सेम टू सेम आपको वैसा रहेगा जैसा कि देखिए यहाँ पे ये पेमेंट हो चुका है डन। इस फिर मैं वापस उस एप्लीकेशन पे जाऊँगा, देखिए फिर से मैंने यहाँ पे आ गया हूँ एप्लीकेशन, देखिए ये क्या हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसको थोड़ा देर तक हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा देर वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से हम लोग अपना रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है। देखिए इस पर क्लिक करते ही ये ब्राउज़र में डायरेक्ट चले जाएगा, और यहाँ से रिसिप्ट हमारा जो है डाउनलोड होने लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने कर दिया रिज्यूम कर दिया, ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि मेरा रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। देखिए ये रिसिप्ट मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो रिसिप्ट है सेम टू सेम उसी रिसिप्ट के जैसा है जो कि हमको LIC ऑफिस में मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रांजेक्शन करने में अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड।